श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे शनि दोष निवारण के उपाय, वो भी भाव और लग्न के अनुसार। कुंडली के प्रत्येक भाव या लग्न में उपस्थित शनि के कष्ट निवारण के उपाय जो हैं, वो मैं आपको लाल किताब के हिसाब से बताने जा रहा हूं। प्रथम भाव में शनि हो तो कष्ट निवारण के उपाय मैं आपको बता रहा हूं। अपने ललाट पर प्रतिदिन दूध अथवा दही का तिलक लगाएं। शनिवार के दिन न तो तेल लगाएं और न ही तेल खाएं। तांबे के बने हुए चार सांप शनिवार के दिन नदी में प्रवाहित करें। भगवान शनि देव या हनुमान जी के मंदिर में जाकर यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमसे जो पाप हुए हैं उनके लिए हमें क्षमा करो, हमारा कल्याण करो। जब भी आपको समय मिले शनि दोष निवारण मंत्र का जाप करें। अगर प्रथम भाव में शनि हो तो ये जो मैंने आपको बताया, ये प्रथम भाव में शनि हो तो उसके उपाय मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं दूसरे भाव में शनि हो तो कष्ट निवारण के उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप शराब और मांसाहार का त्याग करें, दोनों का बिल्कुल निषिद्ध है अगर दूसरे भाव में शनि है तो। सांपों को दूध पिलाएं और कभी भी सांपों को परेशान नहीं कीजिए और ना ही मारें। दो रंग वाली गाय या भैंस कभी भी मत पालिए। अपने ललाट पर दूध या फिर दही का तिलक करें। रोज शनिवार को कड़वे तेल का दान करें। कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल हो गया। शनिवार के दिन किसी तालाब या नदी में मछलियों को आटा डालें। सोते समय दूध का सेवन नहीं करें। शनिवार के दिन सिर पर तेल मत लगाइए। अब हम आते हैं तीसरे भाव में। तीसरे भाव में शनि हो तो कष्ट निवारण के उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपके घर का मुख्य दरवाजा यदि दक्षिण दिशा की ओर हो तो उसे बंद करवा दें। रोज शनि चालीसा पढ़ें तथा दूसरों को भी शनि चालीसा भेंट करें। वो छोटी सी जो पुस्तक आती है वो भेंट करना है। शराब का त्याग करें और मांसाहार भी ना करें। गले में शनि यंत्र धारण करें। मकान के आखिर में एक अंधेरा कमरा बनवाएं। अपने घर पर एक काला कुत्ता पालें तथा उस पर ध्यान रखें। अगर आप काला कुत्ता नहीं पाल सकते हैं तो काला कुत्ता जब आप बाहर जाते हैं तो काले कुत्ते को आप रोटी दीजिए, बिस्किट दीजिए, ऐसा कुछ कर सकते हैं। घर के अंदर कभी भी हैंडपंप मत लगवाइएगा। फिर चतुर भाव में शनि हो तो उसके कष्ट निवारण के उपाय मैं आपको बता रहा हूं। रात में दूध मत पीजिए। पराई स्त्री से अवैध संबंध कदापि नहीं बनाए। कौओं को दाना खिलाएं। सर्प को दूध पिलाएं। काली भैंस पालें। कच्चा दूध शनिवार के दिन कुएं में डालें। एक बोतल शराब शनिवार के दिन बहती नदी में प्रवाहित करें। अभी अगर पंचम भाव में शनि हो तो उसके कष्ट निवारण हेतु मैं आपको बता रहा हूं। पुत्र के जन्मदिन पर नमकीन वस्तुएं बांटनी चाहिए, मिठाई ऐसा मत बांटिएगा। मांस और शराब का सेवन बिल्कुल वर्जित है। काला कुत्ता पालें और उसका पूरा ध्यान रखें। शनि यंत्र धारण करें। शनि देव की पूजा करें। शनिवार के दिन अपने भार के दसवें हिस्से के बराबर वजन करके बादाम नदी में प्रवाहित करने का काम करें। अभी मैं आता हूं छठे भाव में। छठे भाव में अगर शनि हो तो आपको क्या करना चाहिए? चमड़े के जूते, बैग, अटैची आदि का प्रयोग नहीं करना है आपको। चमड़े के जूते। शनिवार का व्रत करें। चार नारियल बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। ध्यान रखिएगा गंदे नाले में नहीं करें, परिणाम बिल्कुल उल्टा होगा। हर शनिवार के दिन काली गाय को घी से चुपड़ी हुई रोटी नियमित रूप से खिलाएं और शनि यंत्र धारण करें। सप्तम भाव में यदि शनि है तो कष्ट निवारण के उपाय मैं आपको बता देता हूं।
प्राय स्त्री से अवैध संबंध कदापि नहीं बनाए। हर शनिवार के दिन काली गाय को घी से चुकड़ी हुई रोटी नियमित रूप से खिलाए। शनि यंत्र धारण कीजिए। मिट्टी के पात्र में शहद भरकर खेत में मिट्टी के नीचे दबाए। खेत की जगह आप बगीचे में भी दबा सकते हैं। अपने हाथ में घोड़े का नाल का शनि छल्ला धारण करें। वो इस उंगली में बीच वाले उंगली में धारण किया जाता है। ये खाली देख लीजिएगा कि जो आपको नाल दे रहा है वो घोड़े का ही नाल है या नहीं, घोड़े के नाल की जो अंगूठी मिलती है। फिर अगर अष्टम भाव में शनि हो तो उसके कष्ट निवारण के उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। गले में चांदी का चेन धारण करें। शराब का त्याग करें और मांसाहार भी नहीं करें। शनिवार के दिन 8 किलो उड़द बहती नदी में प्रवाहित करें। उड़द काले कपड़े में बांध कर ले जाएं और बंधन खोलकर ही प्रवाहित करें। सोमवार के दिन चावल का दान करना आपके लिए उत्तम है। काला कुत्ता पालें और उसका पूरा ध्यान रखें। फिर नवम भाव में शनि हो तो उसके कष्ट निवारण के उपाय मैं आपको बताता हूं। पीले रंग का रुमाल सदैव अपने पास रखें आप। साबुत मूंग मिट्टी के बर्तन में भरकर नदी में प्रवाहित करें। साबुत मूंग जो अखा मूंग बोलते हैं। फिर सवा छह रत्ती का पुखराज गुरुवार को धारण करें और कच्चा दूध शनिवार के दिन कुएं में डालिए। हर शनिवार के दिन काली गाय को घी से चुपड़ी हुई रोटी नियमित रूप से खिलाएं और शनिवार के दिन किसी तालाब में या नदी में मछलियों को आटा डालें, गोल गोल बना के डालना है। अगर दसवें भाव में शनि हो तो कष्ट निवारण के उपाय मैं आपको बता रहा हूं। पीले रंग का रुमाल सदैव अपने पास रखें। आप अपने कमरे के पर्दे, बिस्तर का कवर, दीवारों का रंग यदि पीला रंग ही करवाएं यह आपके लिए उत्तम रहेगा। पीले लड्डू गुरुवार के दिन बांटें। अपने नाम से मकान ना बनवाएं। अपने ललाट पर प्रतिदिन दूध अथवा दही का तिलक लगाएं। शनि यंत्र धारण करें। जब भी आपको समय मिले शनि दोष निवारण मंत्र का जाप करें। एकादश भाव मतलब 11वें भाव में अगर शनि हो तो कष्ट निवारण के उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। शराब और मान से दूर रहें। मित्र के वेश में छुपे शत्रुओं से सावधान रहें। सूर्योदय से पूर्व शराब और कड़वा तेल मुख्य दरवाजे के पास भूमि पर गिराएं। पर स्त्री गमन नहीं करें। शनि यंत्र धारण करें। कच्चा दूध शनिवार के दिन कुएं में डालें। कौओं को दाना खिलाएं। अब हम आते हैं 12वें भाव में मतलब द्वादश भाव। द्वादश भाव में अगर शनि हो तो कष्ट निवारण के उपाय मैं आपको बता देता हूं। जातक को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। शराब और मान से दूर रहें। 4 सूखे नारियल बहते पानी में प्रवाहित करें। शनि यंत्र धारण करें। शनिवार के दिन काले कुत्ते और गाय को रोटी खिलाइए। शनिवार को कड़वे तेल और काले उड़द का दान करें और सर्प को दूध पिलाएं। तो शनि के जितने उपाय थे भाव के हिसाब से और लग्न के हिसाब से वो मैंने आपको बता दिए। आपके अगर कुछ फरमाइश हो या कुछ जानने की चाहत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं। हम यथासंभव कोशिश करते हैं कि हम सारी कमेंट को पढ़ें और अगर हमें जानकारी है उस चीज की तो हम आपका निवारण भी कर दें, वो भी वीडियो के जरिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे लाइक कर दिया कीजिए और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करने के लिए तो खैर मैं नहीं कहूंगा। और हम जो ज्ञान आपको दे रहे हैं अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो आपके जरिए ज्ञान या जो टोटके या उपाय या कुछ भी है वो दूसरों तक पहुंच जाएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।
आपका लाइक भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है और शेयरिंग भी। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।